है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन आज का शो हमने यंगस्टर्स के लिए प्लान किया है, इसलिए मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी दो यंग टैलेंटेड गर्ल्स से। नाज़रीन मेरी आज की पहली मेहमान एक टिकटॉकर और मॉडल है, तशरीफ लाती है अदा अली। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक मजे में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ये नया फैशन है अखबार पहन के आ गए आज तो। किस किस की खबरें छपी है इसमें हमें भी बताओ। आप सबकी पहली खबर सुनो। पहली खबर ये है कि मैं आपके शो में आई हूँ। और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि होनी डेके के भाएगी। अच्छा इन्हें कोई अंदाज नहीं बनाया, इसको खलोता नहीं जाना, सहारे लाए। ये स्टाइल है, इसी के लिए तो मैं गाता रहता हूँ। क्या ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे देखो ये नाना बन गया, चुप ये कहना चाहिए देखो ये नाना बन गया। या फिर धीरे धीरे चपेड़ खाने का बहाना बन गया, इरादा बन गया, इरादा बन गया। आइए जी तशरीफ रखिएगा। नाज़रीन अब बुलाते हैं हम एक प्यारी सी छोटी सी सिंगर को जिनका नाम है समिया गौहर। आइए जी। अदा कैसा जा रहा है आपका टिकटॉक, कितने फॉलोवर्स हो गए? ज्यादा वक्त आपका टिकटॉक पे गुजरता है या फिर मॉडलिंग भी चल रही है? नहीं, मॉडलिंग भी चल रही है और मेरे 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो बहुत वक्त देना पड़ता है टिकटॉक? नहीं, एक्चुअली मेरा सीन ये है, मैं सिर्फ वीडियो एक ही दफा बनाती हूँ, अच्छी बनी है बुरी बनी है मैंने पोस्ट कर देनी होती है, बस एक ही दफा बनाती हूँ। अच्छा जी, तो फिर कितनी वीडियोस होती हैं आपकी एक दिन में जो आप अपलोड करती हैं? मैं कभी कभी आफ्टर 2-3 डेज भी पोस्ट कर देती हूँ, और कभी कभी अगर फ्री होती हूँ कुछ करने के लिए नहीं होता फिर मैं रोज भी पोस्ट कर देती हूँ एक एक वीडियोस करके। तो फोकस कहाँ है आपका, टिकटॉक पे या फिर ज्यादा मॉडलिंग? मॉडलिंग में। कितने ब्रांड्स कर चुकी हूँ अब तक अदा? 4-5 ब्रांड्स कर चुकी हूँ मैं इस टाइम पे। लड़की अभी नई नई आई है और 4-5 ब्रांड कर चुकी है, और फिजा साड़ी बूढ़ी हो गई है, एक ब्रांड नहीं की। क्या करूं, शक्ल ऐसी है ना, कभी किसी ने कास्ट ही नहीं किया, हाइट ऐसी है कि कभी किसी ने लिया ही नहीं, उनको कपड़े कम पड़ जाते हैं, कदी इतना है मेरा। कैमरे जो बाहर निकल जानी। अच्छा बताइए फिर कोई टाइम होता है स्पेसिफिकली कि इस टाइम पे ही टिकटॉक की वीडियो अपलोड करूंगी तो मैं फॉर यू में जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। अक्सर मेरा ये होता है कि मैं रात को 3 बजे भी कर रही होती हूँ, लोग कमेंट्स में कर रहे होते हैं बहन सो जाओ बहन सो जाओ, तो वो कोई टाइम नहीं है, कभी सुबह भी जब आपको माइंड में आता है मैं तब पोस्ट कर देती हूं। पैसे वैसे भी मिलते हैं इसके टिकटॉक के? नहीं, तो ब्रांड्स वाले तो टिकटॉकर्स को इतने पैसे नहीं, देते वो तो फिर आपको पीआर से होते हैं ना कि आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, आपको कोई स्पॉन्सर करता है। कमाती हैं आप इस तरह बहुत, आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? जी जी करते हैं। सारी सारी रात टिकटॉक बनाउंदी है, मल्ले ने शेयर बना लिया, सारी सारी रहन पावा मैं बहन लोकी मैनू कहन बस कर पैन। सामिया मोस्टली होता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो मिडिल क्लास घराने की लड़कियां हैं, वो म्यूज़िक की तरफ नहीं आती हैं, तो आप कैसे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ आ गए? मेरे पेरेंट्स का शौक था बेसिकली, तो उनको था कि मैं म्यूज़िक की तरफ भी आऊँ, नाते भी पढ़ती हूँ बेसिकली, और तो उसके बाद फिर मुझे स्कूल में एक टीचर मिले, उन्होंने मुझे तैयार करवाया कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो कॉम्पिटिशन्स में ही परफॉर्म कर करके वहाँ से ही तो मैंने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। ज़्यादा ऐसे ऐसे ना करो फिर थक जाओ। और उसके बाद फिर मैंने फिल्म के मैंने 2 गाने गाए, अपकमिंग फिल्म है कोविड के बाद। कौन सी फिल्म है हमें भी बताएं? फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी, उसमें 2 गाने हैं मेरे, तो वो कोविड की वजह से। आवाज किसके ऊपर पिक्चराइज हुई है? मीरा जी। ये कौन? मीरा जी। मीरा जी मीरा देते हैं मैं सिद्दीकी की। तो आपने फिर थोड़ी सी आवाज को बेस दी भारी की, क्योंकि वो बोलती भी ऐसी नवाज। पंजाबी गाना है जी, हमें भी सुनाए ना थोड़ा। वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। बच्ची मीरा वास्ते गा रही है ते शक्कर दी शौकी खान साहब मरहूम मर गया। बस फिर क्या करें, अल्लाह जिसे जो देना चाहे। क्या बात है, अल्लाह जमे हाथ हलाउंदी ना लगता गाना भी गा रही है, नाल स्वेटर भी उन्न लई। इहो जियां तोतियां अद्धा मरूद टुक जांदियां ते पता नहीं लगन देंदियां, इहो जियां सुनियां मरूद तो आर पार हो जांदियां। अच्छा दूसरी फिल्म कौन सी है जिसमें आपने गाना गाया? दूसरी फिल्म शुजा हैदर की फिल्म है, उसका भी नाम नहीं मुझे पता था, लेकिन उसका भी गाना मैंने गा लिया। अच्छा उसमें आपकी आवाज़ किसके ऊपर पिक्चराइज हो रही है? वो कुछ भी नहीं अभी पता।
अभी नहीं पता। हाँ जी, नबील कुरैशी की फिल्म है और म्यूजिक उसमें शुजा हैदर का। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक यार। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे टिकटॉकर हैं जिनको देखकर आपका बड़ा दिल किया कि आपको भी टिकटॉक बनाना चाहिए, और आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन हैं, उनके नाम भी लीजिए। फेवरेट टिकटॉकर तो मैं अपनी खुद हूँ। करीना कपूर दी बहन होंगी है। करीना कपूर दी बहन है ज़रीना कपूर। अच्छा, बॉयज़ में से मुझे वैसे ज़ुल्करनैन की वीडियोस पसंद हैं, और लड़कियों में से मुझे पसंद है मिनाहिल की, उसके एक्सप्रेशंस पसंद है मुझे। ज़ुल्करनैन तो किसी को पसंद हो गया, अब हमारे साथ नैन मिलाओ। नहीं नहीं, मैं कुंवारी मरने के लिए तैयार हूँ। ज़ुल्करनैन तो किसी को पसंद हो गया, अब पीरे नैन से नैन मिलाओ। अच्छा, तो फिर किसको देखा था आपने टिकटॉक पे जिसपे आपका बड़ा दिल किया कि इस जैसी टिकटॉक मैं बनाऊंगी, ऐसे अच्छी बना सकती हूँ? तो मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जब न्यू आई थी ये, सबको पता चला था कि टिकटॉक ऐप आई है, डाउनलोड किया, सर्चिंग की ऐसे, फिर बनाना प्राइवेटली स्टार्ट किया, फिर सोचा कि चलो पब्लिक करते हैं, तो फिर पब्लिक करना स्टार्ट कर दिया। खुद का शौक था एक्चुअली मेरा। अदा, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे साथ टिकटॉक बनाई थी? तब मुझे तो याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं। बाबा असल ना गल शुरू करने की कोशिश करता, अब जाके भूल जाता मैं की कहना। अच्छा मुझे ये बताइए, कौन से ऐसे टिकटॉकर हैं जिनके साथ आपको टिकटॉक बनाने का शौक बहुत है? ऐसा तो कोई नहीं है, सबके साथ बना लिया। बना लिया मतलब मिली सबसे हुई हूँ मैं तकरीबन। तो टिकटॉक किसके साथ बनानी है जिसका आपको लगता है कि भाई वायरल होगी अगर मैंने बनाई तो? इसके साथ बनाई तो ऑब्वियसली कंवल है, ज़ुल्करनैन है, ये फेमस टिकटॉकर्स, जन्नत मिर्जा, तो इन जन्नत के तो क्या व्यूज हो गए ना। बाबा दादी वाले से भी टिकटॉक बनाया। नानी वाला है और दादी वाला। अदा, आपको नदीम नानी वाला पसंद है? नहीं नहीं नहीं, साडे को ले जा चाचा चाची वाला। पर नदीम नानी वाला तो आप वायरल है ना, पर साडा चाचा नहीं वायरल, एदी चाची वायरल है। चाची वायरल नहीं, जिन्नी मशहूर है। इन्नी चाची मशहूर नहीं जिन्ना चाचा बदनाम है। ओ, मैं इन्ना ज्यादा बदनाम नहीं होना सी, इन्ना बहुती खप पाती मेरे बारे, क्योंकि असि चाची दे बारे ज्यादा जानने आ। वायरल जी दित्ती है तुसी। कामिया, कौन से ऐसे सिंगर है जिनको आप बहुत ज्यादा शौक से सुनती हैं और उन जैसा गाना चाहती हैं, मतलब आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मैडम नूर जहाँ को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं, माशाल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन जैसा गा सकूँ। तो उनके कौन से गाने आपके फेवरेट हैं? मैडम नूर जहाँ की गज़लें और उनके पंजाबी गाने बहुत जो फेमस हैं वो मैं बहुत सुनती हूँ, और उसको कोशिश करती हूँ कि उसको पूरा ट्राई करूँ और गा सकूँ। एक गाना हमारे सामने भी छेड़े ना ज़रा कुछ बोल। जी ज़रूर, हमारे सामने भी हो जाए मैडम नूर जहाँ जी के। गज़ल सुनाऊँगी मैडम नूर जहाँ की, दिल धड़कने का सबब याद आया। हो जाए हो जाए। सबब याद आया, और बाबा तू मरना नहीं है, मैनू ऐ ख्याल आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, बाबा तेनू शर्म नहीं आई जदों तू मैनू अपने घर पाया? दिल धड़कने का सबब याद आया, बाबा मैंने तेरे टिंड पे चंड मारनी थी, हुने याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, आपकी शक्ल मेरे मरहूम नाना जैसे मुझे अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, यही तुमने बात की मुझे तुम पे बड़ा प्यार आया। अरे दिल धड़कने का सबब याद आया, बाबी की जब किसी और के साथ रुखसती हो गई, बाबा उसके एक साल बाद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, फिजा गश खा के गिर गई जब मेरा रिश्ता आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, गलती भी कोई नहीं की थी, कद आजाब आया। वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करें बातें। अगर ये बताइए कि इन सारे टिकटॉकर्स में से किसके साथ आप सबसे पहले टिकटॉक बनाएंगी, पहली फुर्सत में किसके साथ आप सोच समझ के टिकटॉक बनाएंगी, किसके साथ आप किसी सूरत हाल टिकटॉक नहीं बनाएंगी? पहली ऑप्शन पहले बता दीजिए, किसके साथ पहली फुर्सत में टिकटॉक बनाएंगी? ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन के साथ पहली फुर्सत में टिकटॉक बनाएंगी? बना लूंगी। और किसके साथ बहुत सोच समझ के टिकटॉक बनाएंगी कि कहीं वायरल हो या ना हो, उल्टा बदनाम ना हो जाओ? हारिस के साथ। हारिस के साथ आपको डर है कि आप बदनाम ना हो जाए, सोच समझ के आप टिकटॉक बनाएंगे? और किसके साथ किसी सूरत हाल आप टिकटॉक नहीं बना रही हैं? वो अली हैदराबादी। अली हैदराबादी के साथ आप नो मैटर व्हाट टिकटॉक नहीं बनाएंगी?
ठीक है, अली हैदराबादी। यहाँ पर अदा बैठी है और वो कह रही है कि मैं अली हैदराबादी के साथ किसी भी सूरत हाल टिकटॉक नहीं बनाऊंगी, चाहे कोई मुझे गन पॉइंट पे फोर्स करे, कोई धमकी दे, फिर भी मैं इनके साथ टिकटॉक नहीं बनाऊंगी। और नदीम नानी वाला, तुम्हें तो किसी चॉइस में भी नहीं रखा कि तुम्हारे साथ टिकटॉक बनानी है पहली फुर्सत में, या सोच समझ के, या बिल्कुल नहीं बनानी, किसी ऑप्शन में तुम्हें रखा ही नहीं। वो कहती है इसके साथ तो सोच भी नहीं सकती। कहती है पावा नानी वाला अपनी नानी भी भेज दे, मैं नहीं टिकटॉक बनाना। हाँ, और रिश्ता लेके नहीं, फिर भी टिकटॉक की बात करने के लिए भी वो राजी नहीं है। कहती नहीं, मैंने इनके साथ बनानी है, तो बात क्या करना। ठीक है, वो पूछेगा बाप से, पूछता रहे आपके अकाउंट डिलीट करवाएगा, ब्लॉक करवाएगा, फैन फॉलोइंग कम करवा देगा टिकटॉक पे। ऐसे कैसे, उसके खिलाफ थोड़ी ना मैंने कुछ बोला, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस। गैंग है उसका टिकटॉक पे, तो अब बताएगा वो तुम्हें। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब फॉर यू पे वीडियो भी नहीं मिलेगी, बगैर मेरी वीडियो के फॉर यू चलेगा ही नहीं। देख ले ये बात, ये है मगरूर बच्ची। पापा कहता है मेरी वीडियो फॉर यू ते आ गई है, मैं जाके देखे फॉर यू लिख के ना उते अपनी वीडियो रखी। और बच्ची बड़ी सियाणी है, हैं? ये देखें कवल आफ्ताब या बच्ची अदा जो बैठी है, वो कह रही है मैं सिर्फ और सिर्फ जुल्कनैन के साथ अपनी टिकटॉक बनाऊंगी, उसके साथ वीडियो वायरल करूंगी। तो अपना घर बचा लो बहन, इसको जरा देख लो गौर से, हैं? इसके साथ तुम्हारा मियाँ कोई टिकटॉक ना बनाए, जरा गौर और जरा ध्यान से इसका चेहरा देखने के बाद इसको ब्लॉक कर देना अपने मियाँ के अकाउंट में। सामिया, ये हमारे कुछ फेमस पॉलिटिशियंस हैं, आपने एक लाइन का इनको कोई गाना डेडिकेट करना है, जैसी इनकी पर्सनैलिटी है वैसी आपका गाना होना चाहिए। तो आप पहले किसको डेडिकेट करेंगी गाना? इमरान खान। इमरान खान साहब को माइक उठाइए, हो जाए। नवाज शरीफ साहब के लिए कौन सा गाना? अखियां उड़ीक दिया दिल वजह मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजह मारदा, आजा परदेसियां वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सोनिया, तेनू अखियां उड़ीक दिया। और बिलावल भुट्टो साहब के लिए कौन सा गाना? मुंडिया 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 दुपट्टा छट मेरा नि शर्मा दा कुंड लाईदा, हाय ते अंजनी सताना चाहिदा, कुड़िए 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 पता मी रंग तेरा नि कुंड चलू कोना चाहिदा, हाय नि सजना नु तरसाईदा। हुण ते बिलावल साहब ली पूरी पीडीएम गा रही है, मुंडिया 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 खेड़ा छड़ मेरा ते सियासे च धोखे ते धोखा नहीं खाना चाहिदा, ए अंजी नी सताना चाहिदा। अंगूर लो ना तो सामिया वर्गा पूंड विचो निकलता है। अपना शिप भी है वो केड़ा जेड़ा बाल्टी दी छे फिट 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 ए महाराजा डॉक्टर को कहना मेरे दिल की धड़कन चेक करो, कहता है तू इंसान है धड़कन तेरी खोते वाली। बाबा भी डॉक्टर सी, पहला ही मरीज आया उन्हें कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर च बहुत दर्द आती है, कहता यार दर्द तो मेरे भी सिर च बड़ी होती है, आ दोनों चाह पी के आइए। बाबा
ਬਾਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਲਓ ਲੈ ਆਕੋ ਬਾਟ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਰਵਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਜ ਬਾਬਾ ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਆ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੰਡਾ ਸਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਫ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੰਪ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਿਆਕੂ ਵੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਬੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਬੋ ਪਤਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਫਟ ਟਮਾਟਰ ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 20-25 ਪਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਰੇ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਕੂ ਬਾਟ ਵੀ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਝੂਠੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਤੱਪੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ناظرین سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں اور ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں اور آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں نرمل اوور ٹو یو سنائیے دہلی میں دلہن کی ماں دولہے کے باپ کے ساتھ فرار ہو گئی اے ہو جا سارے حادثے چاچے دی فیملی چ ہوندے نے اچھا جی چاچے دا نانا مر گیا تے دی نانی تے دادے نال نکل گئی ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਇਹਦੇ ਮਾਸੜ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਦਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਵਾਂ ਪਿਲਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕੜਮਾਸੇ ਹੀ ਵਜਿਆ ਚਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਾਉਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਲਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਦੁਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਅਖੀਰ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਵਨ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਖਾਤੂਨ ਤਲਾਕ ਲੈਣੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ 3-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 50 ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ 5 ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨਲਕੇ ਬੱਲੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਬਲਾ ਨਹਾ ਕੇ ਗਈ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਾਬਣ ਦਈਏ ਤੇ ਨਹਾ ਲੇਗਾ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बारात ताखीर से पहुंचने पर दुल्हे की पिटाई दुल्हन ने भरे मजमे में पड़ोसी से शादी कर ली चाचे दे ब्याह ते भी इंजी होया चाचे दी जिस कुड़ी नाल मंगनी होई ना ओदा नाम सी अदा अच्छा ਚਾਚਾ ਪੈਦਲ 3-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਅਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸੜਕ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਅਦਾਏ ਦਿਖਾਓ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਚਾਚਾ ਕੋ ਤੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੌਣ ਸਾ ਅਦਾਏ ਵੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇ ਉਸਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾਪਨ ਕਾਤਲੋ ਵਾਲੀ ਅਦਾ ਆਪਕੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੇ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁੱਲੇ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾਓ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ